नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। बात यहां पर राजस्थान की, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान में सियासत इसलिए गर्मा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने ही किए गए दावों में अफवस्ती चली जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिया कि वो तो सीएम पद को छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में आपको बता दें कि अब बीजेपी सीधे सीधे अशोक गहलोत पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर कहा कि आप फिक्र मत करिए, आप चाहे या ना चाहे कुछ और समय की बात है, राजस्थान की जनता खुद आपसे ये पद छीन लेगी। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अब समय आ गया है अशोक गहलोत की विदाई का, क्योंकि आपको बता दें कि अब पार्टी को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि शायद सीएम फेस के लिए इस बार सचिन पायलट को आगे किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर पार्टी पहली सूची जल्द ही जारी करने वाली है, काफी ज्यादा बैठकें यहां पर देखने को मिल रही हैं, कईयों के टिकट यहां पर काटे गए हैं तो कईयों को यहां पर साफ तौर पर अगर हम बात करें तो टिकट मिले भी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले शांति धारीवाल का जब से टिकट कटा है उसके बाद से सचिन पायलट काफी ज्यादा खुश है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि शायद सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है, लेकिन क्या अशोक गहलोत इस फैसले में हाईकमान का साथ देंगे? तो इसके भी कहीं ना कहीं देखिए अभी जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें तो यही दावा किया जा रहा है कि शायद यहां पर सचिन पायलट को इस बार अशोक गहलोत भी अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच साझा करते हुए नजर आए। ये जो पूरा वाक्या है वो राजस्थान की दौसा सीट का है, दौसा विधानसभा सीट का। यहां पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी रैली के लिए आई थी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए देखा गया कि पहले सचिन पायलट बयान देते हुए नजर आते हैं, जनता से कई बड़े वादे करते हैं और ऐसे में अशोक गहलोत की जब बारी आई तो किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट को ही बिठाया जाए। क्या कुछ कहते हुए अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। समझते हैं और ईआरसीपी योजना पूरी होके रहेगी। काम जो हमने किए हैं आप सोच सकते हैं, सेंटर सागर, सिनोली, जिरमिल, गेटोलाव, चंद्राना, कालोखा, भंडारी, माधो सागर, इकरामपुरा, दक्षिण सागर, बिनोई सागर, दौवार, सिंतोली, ये सब बांध छोड़ दिए थे पहले, अभी हमने इन सब बांधों को जोड़ दिया है। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए जो आपके क्षेत्र के हैं। खड़गे साहब आए ईआरसीपी के लिए और नड्डा साहब आए परसों, अभी बीजेपी अध्यक्ष, एक शब्द काम नहीं लिया ईआरसीपी का नड्डे साहब ने, आप बता दीजिए। एक तरफ तो हम लोग संघर्ष कर रहे ईआरसीपी के लिए, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता बीजेपी का, पूरी पार्टी जीरो है, नाम तक नहीं लिया का, वो आप समझ सकते हो। आपके जिले में दो कैबिनेट मंत्री हैं, एक सदन पार के मंत्री है, एक राज्य में दर्जा दिया हुआ है, तो चारों पांचों विधायक जो है हमारे साथ थे इस बार जिले के अंदर। हम चाहेंगे जो मांगा मुझसे चिकराई में कॉलेज खुलना किसे कहते हैं, आज गीतगढ़ में कॉलेज, सिकंदरा में कॉलेज खोली गई, भंडारे में कॉलेज खोली गई, सिकरा में कॉलेज खोली गई, बरावड़ा में कॉलेज खोली गई, 5 कॉलेज खुल जाए 5 साल में, कभी 70 साल में कभी हुआ है? कभी हुआ है 70 साल के अंदर? 250 कॉलेज खोली थी हमने, इन 5 साल में 310 कॉलेज खोल दिए। तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षा में हमारा जोर है, सेवा में हमारा जोड़ है, मालूम है आपको, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा फ्री, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने कानून बना दिया, 4 नरेगा का, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार, सूचना का अधिकार, यहाँ पर राइट टू हेल्थ का कानून बना है। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं,
मिनिमम पेंशन कर दी है 1000 रुपये कर दी है, इसका मतलब पति पत्नी को पेंशन मिलती है तो उस परिवार में 2000 रुपये प्रति माह आ रहा है, पेंशन का आ रहा है। बता दीजिए कितने राज्य माता देश के अंदर। हम मांग करते प्रधानमंत्री से पूरे मुल्क के अंदर आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो, सब परिवार का वर्ण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो जरूरत होती है उसको। दुनिया के मुल्कों में है आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, अरे कुपोषण बच्चे, महिला प्रसव करती मर जाती है, खाने को मिलता नहीं है, भुखमरी है, और आप विश्व गुरु की बातें कर रहे हो। वो तब होगा तब आप देश के लोगों को हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी दोगे, मेरी उनसे मांग है। इतने में कहना चाहूँगा, चिकराय में उप जिला अस्पताल बन गया, बेरावड़ा मानपुर का मानपुरगढ़ में CHC, कालाखो मीना शिमला में PHC खोली गई है, और मैंने कहा आपको दूसरा कहने मेडिकल कॉलेज खोल रही है और नर्सिंग कॉलेज के मैंने जारी कर दिए। आपकी नर्सिंग स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप मीणा जी, तो आप सोच सकते हो जो मांगा उनको दिया हम लोगों ने। बेरावड़ा में भंडारेज में तहसील, पापड़दा गीजगढ़ उप तहसील, सिकंदर में पंचायत समिति बनी है, पापड़दा में पुलिस थाना, न्यारपुरा भंडारेज में चौकी, सिकराय में अपर जिला सेशन कोर्ट खुल गया है, सिकंदरम देवनारायण बालिका छात्रावास, बेरावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है, विधानसभा के अंदर करीब 100 करोड़ सड़कें अलग से बन रही है। तो मैं कहने को बहुत कुछ है, आप प्रियंका जी को सुनना चाहेंगे, मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने कह रखा हमें वादा मत करो, फिर वादा करते हो, वादा निभाओ, और हम निभाते हैं, इसलिए आपका विश्वास हमारे ऊपर है। महंगाई राहत शिविर में खोले, 10 गारंटी हमने दी आपको, आज घर घर में राशन पहुंच रहा है, मिर्च मसाले पहुंच रहे हैं, काम दिन योजनाओं में गांव का बीमा हो रहा है, लंबी मुर्गी गाय 40,000 रुपये मैंने बैंक के खाते में जमा करवा दिए लोगों को, 40,000 रुपये। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि इस बार राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि इस बार यहां पर जो जनता है वो कांग्रेस को ही जिता कर रहेगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो राजस्थान में इस बार कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बता दें कि राजस्थान की सियासत में एक परंपरा चली आ रही है कि एक बार BJP तो एक बार कांग्रेस, यही दो पार्टियां राजस्थान की सत्ता पर राज करती हुई नजर आई। लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इस परंपरा को तोड़कर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की हार राजस्थान में तय है, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में भ्रष्टाचार टूट फूट के अलावा और कुछ नहीं किया है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिरकार राजस्थान की जनता किस पर भरोसा जताती है, BJP या फिर कांग्रेस, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।